हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीडियो ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम सी टैब बार को हाइड करना एक्सेल और वीबी दोनों में सीखने वाले हैं। एक्सेल में सी टैब बार हाइड कराने के लिए अगर आप ऑफिस 365 वर्जन यूज कर रहे हैं तो हमको जाना होगा फाइल के अंदर, फिर मोर में, उसके बाद ऑप्शंस और एडवांस टैब के अंदर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक में एक ऑप्शन मिलेगा शो सीट टैब्स। इसको अनचेक कर दोगे तो जो हमारे सीट टैब थे वो हाइड हो जाएंगे। और अनहाइड करने के लिए वापस से हम जाएंगे फाइल में, इसके बाद मोर एडवांस में जाएंगे और सीट टैब्स को वापस से चेक कर देंगे तो एक्सेल में हमारे सीट टैब शो होना शुरू हो जाएंगे। अब वीबीए में सीट टैब हाइड और अनहाइड करना सीखते हैं। एक नया मैक्रो यहाँ बना हुआ है सी टैब बार के नाम से, इसमें कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सी टैब बार वीबीए से हाइड कराने के लिए हमको एक्टिव विंडो ऑब्जेक्ट की डिस्प्ले वर्कबुक टैब्स प्रॉपर्टी को फॉल्स करना होता है। फॉल्स करने के बाद इस मैक्रो को F5 प्रेस करके रन करते हैं तो यह सी टैब यहाँ से हाइड हो गए और शो कराने के लिए वापस से इसे ट्रू कर देना होगा। ट्रू करने के बाद F5 प्रेस करके मैक्रो रन करते हैं और एक्सेल शीट में जाके देखते हैं तो हमारे सीट टैब शो होने लगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।